जय गुरु। डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज कुछ बातें करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठाकुर जी की बातों को हम लोगों को समझाते हैं, वो समझता नहीं है, समझना सुनता है। आप पता नहीं सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, एकाग वो सामने रहता है, भागता नहीं है, चला नहीं जाता, मगर ग्रहण करने के ठाकुर जी के ग्रहण करने के समय जब बोला जाता है कि उनकी दीक्षा ग्रहण करके अपने आप को उनके साथ संयुक्त हुई है, मगर वो करना नहीं चाहता। वो बोलता है ठीक है, आज नहीं, कल कल नहीं, परसों, आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, ये हो गया, आज खाना खा लिया, आज नहीं, इस तरीके का बातें करके वो उसको अवॉइड करना चाहता है। बहुत सारे लोग हम लोगों को बताते हैं कि हमने बहुत उसको जाजन किया मगर वो दीक्षा नहीं ले रहा है। वो दीक्षा लेने की एक्चुअली दीक्षा का मतलब हम लोगों ने ऐसा बना दिया, लोगों के मन में ऐसा समझ न जानकारी की वजह से ऐसा समझ में आता है कि दीक्षा लेने से एक बाइंडिंग्स हो जाएगा और मनुष्य बाइंडिंग्स में नहीं रहना चाहता है और वो खुला छुरा चना माने चाहता है। और जब खुला छूट जाता है, बाइंडिंग्स में नहीं रहता है, एक बाउंड्री एरिया जब तक वो नहीं रहता है, तब जो है एक दिग्भ्रमित होने की संभावना रहता है, इसीलिए वो बाइंडिंग्स नहीं चाहता है। तो पता नहीं दीक्षा ग्रहण करने से क्या क्या छोड़ना पड़ेगा जो हम पसंद करते हैं। अगर गलती कर देंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, गलती अगर हो गया तो हमारा सवेरे उठने का आदत नहीं है और हम नहीं कर पाएंगे तो पाप देगा, इस तरीके की भावना से ग्रस्त है लोग। इसका मतलब इसकी जानकारी नहीं है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं। एक बहुत पतला दुबला आदमी, साधारण कमजोर आदमी, रास्ते से जा रहा था। एक बलवान आदमी ने उसको बुलाया और जब बुलाया और बुला के बोला, ऐसा है कि ये जो गठरी हमारे सामने है, इस गठरी को तुम अपने सर पे लो और हम जैसा बोलते हैं वैसा हमारे साथ साथ चलो। तो उसने बोला कि उसको एक तो सोचा कि मना करेंगे, ये करेंगे तो वो बलशाली व्यक्ति है, नाराज हो जाएगा, मारपीट करेगा, कुछ भी करेगा, ये डर की भावना से वो बोला कि नहीं, अब तो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वाला कुछ नहीं सुनता, तुम वही करो। चूंकि वो बलशाली व्यक्ति था इसीलिए उसने गठरी को ना चाहते हुए भी उसको उठा लिया। और उठा के वो बलवान व्यक्ति जो है उसको गाइड करता रहा कि इधर चलो, दाहिने चलो, बाएं चलो। उसके सामने उसके दबाव के कारण वो गठरी तो उठाया मगर मन मन में उसको जो है गलत शब्द का प्रयोग करते ही तो हमको फंसा दिया, ये कैसा आदमी है, इसका ये हो जाए सब, इस तरीके का मन मन में बता रहा था। अब आगे उसकी बात को सुनना भी है क्योंकि उससे भय है, वो बलवान है और युक्त हुआ है, उसने निर्देश दिया। चलता रहा, बहुत दूर चला, अचानक दोनों में एक गैप बन गया। गैप बनने की वजह से वो जो गठरी उठाया हुआ आदमी था उसके एक दोस्त सामने मिला। दोस्त ने बताया कि कहाँ जा रहे हो, तो बोला कि ऐसा ऐसा बात है, वो आदमी हमको वहाँ मना नहीं कर पाए, वो बलवान है, अगर नहीं करते तो मारता पीटता या गाली देता, ऐसा ही होता, हम चल रहे हैं ऐसे ही। तो उस दोस्त ने कहा कि ठीक है, तुम गठरी उठा के जा रहे हो, बात सही है, कोई बात नहीं है, मगर उस गठरी में है क्या? तो उसने कहा कि हमको पता नहीं गठरी में क्या है, बहुत भारी है गठरी, ये हमको जानकारी है। तो उसके दोस्त ने बताया गठरी में है क्या, ये तो जानकारी करो, ये तो मालूम करो। तो उसके दिमाग में आया बात, उसने बोला हाँ, एक दूरी में जाके एक पेड़ के पीछे उसने गठरी को उतारा, जब उस आदमी से बलवान आदमी से दूरी बनाया और दूरी बना के गठरी को उतार के वो खोल के देखा। जब खोल के देखा तब उसने देखा कि उसमें सोने का मुहर है और सोने का मुहर देखते ही तब तुरंत गठरी को बंद किया और तुरंत सर पे उठाया और तुरंत दौड़ने लगा और दौड़ के अपना घर जाने लगा, वो गठरी को अपने घर ले जाने के लिए। जब तक उसको मालूम नहीं था तब तक उसको अवॉइड कर रहा था, उठाना नहीं चाहता था, उससे दूर रहना चाहता था। चूंकि बलवान है इसीलिए उनको
कुछ उल्टा फुल्टा बोल भी नहीं पा रहा है। और जिस समय मालूम हो गया उसमें खजाना है, उस समय वो गठरी को छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए इसी प्रकार हम लोग जो मनुष्य को कल्याण के लिए ठाकुर जी ने जाजन की प्रक्रिया हम लोग को बताए हैं, वो मनुष्य हम भी अच्छा बने और दूसरों को भी अच्छा बनाए, ये ईश्वर का एक नियम रहता है। भगवान और मनुष्य में सिर्फ यही फर्क है, मनुष्य सिर्फ अपने लिए सोचता है और भगवान सबके लिए सोचता है, क्योंकि उन्हीं की सृष्टि है। और इसीलिए जब तक हम मनुष्य को जाजन करते, भगवान के प्रति एक भय रहता है कि उसको करने से ऐसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पाप होगा पुण्य होगा, इस तरीके का भावना से उसको जानकारी है। और जिस समय जानकारी मिल गया कि उस पर उसका खजाना है, अब उसको छोड़ना नहीं चाहता, अपने घर ले जाना चाहता है। और उसको कभी इसी प्रकार हम जब पुरुषोत्तम का बातें को लोगों के बीच में करते हैं, जिस दिन जानकारी हो जाएगा, और जानकारी करने के लिए हमें अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा, हमको देख के, हमको हमारे जीवन को जान के वो अनुप्राणित हो, तब हमारी कोई भी बात को वो सुने समझे और सत्य समझ कर उसका अनुसरण करे, तभी वो उनको हमारे सान्निध्य में ला पाएंगे। इसीलिए वो जो गठरी की जानकारी, जिसकी बातें पुरुषोत्तम की बातें जो उनको हम बताने जा रहे हैं, उसको मालूम होना, जब तक मालूम होगा तब वो खुद नहीं छोड़ेगा और 10 आदमी को बोलेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करके अपने आप को सुंदर बनाना है, तब सबको सुंदर बनाने में हम सफल हो पाएंगे। यही परमदयाल से प्रार्थना है, सबके जीवन में उनका आगमन हो, ताकि हम सत्य का अनुसरण करके सही दिशा प्राप्त हो, जीवन की दशा परिवर्तन हो जाए। सबकी मंगल कामना उसी परमदयाल के चरणों में करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, प्रेस लाइक करिएगा, घंटी को दबाइएगा, ताकि इस चैनल को और आगे चलाकर आपके बीच विचारों का आदान प्रदान कर सके। सबकी मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुष।